Okay. Now let's go through some previous year JEE questions. Let's see the first question. देखो, log of 7, argument में log of 5, फिर उसके argument में root of x plus 5 plus root x लिखा है, ठीक है? अब जब ये वाला 7 यहाँ चला जाएगा, तो ये बन जाएगा 7 raised to 0, that is 1. Again, 5 raised to 1 is 5. So can I say that this equation can be written as root of x plus 5 plus root of x is nothing but 5. So can I take this on this side? So root of x plus 5 is 5 minus root x. Let's square on both the sides. ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा x plus 5, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा a square plus b square minus 2 into 5. तो यहाँ पे आपके पास x x cancel, ये यहाँ चला जाएगा, तो बन जाएगा 10 root x is equal to 20. So root x is 2, so x is 4. ठीक है, तो x 4 है. अब चेक करके देख लो, सेटिस्फाई करेगा? बिल्कुल कर रहा है. ठीक है, ओके. Note this down, then we'll be going for the second question. Now let's solve the second question. What the second question says? See, x not y not is be the solution of this equation. ठीक है, दो variable, दो equation आपके पास है. आपको solve करना है और x not का value निकालना है. ठीक है, तो कैसे इसको कर सकते हैं? देखो, first equation को आप 2x raised to ln 2 is equal to 3y raised to ln 3. ठीक है, तो क्या मैं दोनों side ln ले सकता हूँ? ले सकता हूँ, बिल्कुल. तो ये हो जाएगा ln of 2. ln of 2x is ln of 3 ln of 3y. ठीक है, ये चीज लिखी हुई है ना. सो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन. इसको और सिंपलीफाई करेंगे, लेट्स लीव सम स्पेस फॉर दैट. लेट्स गो फॉर द सेकंड इक्वेशन, क्योंकि सेकंड इक्वेशन क्या बन रहा है? देखो, 3 रेज टू x इज इक्वल्स टू 3 रेज टू ln x इज इक्वल्स टू 2 रेज टू ln y. ठीक है, अगेन यू टेक ln ऑन बोथ द साइड, दिस बिकम्स ln x ln 3 इक्वल्स टू ln y ln 2. ठीक है, दिस बिकम्स योर सेकंड इक्वेशन. ठीक है, अब देखो, तो यहां से क्या आप ln x निकाल के इसमें सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं. तो सी, व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर ट्राइंग टू सॉल्व द लीनियर इक्वेशंस. है ना, इट्स अ लीनियर इक्वेशन. ln x इज अ वेरिएबल, ln y इज अ वेरिएबल. सो वी आर ट्राइंग टू सॉल्व द लीनियर इक्वेशन यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड. ठीक है, तो आप इसको लिख लो ln x. अच्छा, आप देखो, ln x सब्स्टिट्यूट करूंगा तो इक्वेशन y में बनेगा. मुझे निकालना क्या है? x नॉट. सो इट शुड बी इन टर्म्स ऑफ ln y. ठीक है, सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट ln y फ्रॉम हियर. दैट विल बी नथिंग बट ln x ln 3 बाय ln 2. सो ये आपको सब्स्टिट्यूट करना है इस इक्वेशन में. अब देखो, ये क्या लिखा हुआ है, इसको थोड़ा एक और स्टेप सॉल्व करेंगे. ln 2, अब ln 2x इज नथिंग बट ln 2 प्लस ln x. सेम, ln 3 इन ब्रैकेट ln 3 प्लस ln y. Where makes sense? अब ln y को substitute करेंगे, next step में आपका answer है. देखो कैसे कर सकते हैं इसको. So when I solve it, what do I get? ln 2 का square plus ln 2 ln of x is equals to ln of 3 का square plus ln 3 ln y. What is ln y? ln x ln 3 by ln 2. ठीक है, let's take the LCM and solve it. So what do you get from here? ln 2 का square प्लस ln 2 ln x. नाउ व्हेन आई टेक ln 2, तो ये स्क्वायर हो जाएगा और यहां पे क्यूब हो जाएगा. ठीक है, एंड फ्रॉम हियर यू विल गेट ln 3 का स्क्वायर ln ऑफ 2 प्लस, व्हेन आई मल्टीप्लाई दिस, व्हाट डू यू गेट? ln ऑफ 3 का स्क्वायर ln x. ठीक है, और लेट्स टेक ln x ऑन वन साइड. सो व्हाट यू गेट फ्रॉम हियर? ln 2 का स्क्वायर माइनस ln 3 का स्क्वायर टेकन आउट कॉमन ln x is equal to, अब देखो यहां क्या बचा, ln 3 का स्क्वायर ln 2 और ln 2 क्यूब, इसमें से ln 2 कॉमन ले लेंगे, आपके पास बचेगा ln 3 का स्क्वायर माइनस ln 2 का स्क्वायर. अब देखेंगे, ये और ये चीज सेम लिखी हुई है, जस्ट विद अ नेगेटिव 1, यहां माइनस 1 आ जाएगा, तो आपके पास ln x प्लस ln 2 इक्वल टू 0 आ जाएगा. दिस इंप्लाइज व्हाट? दिस इंप्लाइज ln of 2x is 0, this implies 2x is 1, this implies x is half. Now this value of x is satisfying both of the equations, so that is nothing but x naught is half. Okay, note this down, then we'll be going for the third question. Okay, now let's start with the next question. That is nothing but x raised to 3 by 4 log of x base 2 whole square plus log of x base 2 minus 5 by 4 equals to root 2. Aapko batana hai,
मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है, इसमें फर्स्ट भी हो सकता है, सेकेंड थर्ड और फोर्थ भी हो सकता है, सो इट कैन हैव मल्टीपल करेक्ट आंसर्स, ठीक है. लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन. देखो जब भी एक्स रेज टू समथिंग गिवन है तो आप क्या करेंगे, लॉग ले लेंगे दोनों साइड. अब कौन से बेस पे लेंगे, तो एक कॉमन बेस टू है, ठीक है, तो टू पे लेना ही बेटर रहेगा. सो इफ आई टेक लॉग ऑफ एक्स टू द बेस टू, तो जो इसका पावर है 3/4 log x base 2 whole square plus, ये पूरा इसके आगे पावर में आ जाएगा, ठीक है. और राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड आपका हो जाएगा log of root 2 to the base 2. अब इसको मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूं, बन जाएगा हाफ, ठीक है. अब देखो तो एक्चुअली लिखा क्या हुआ, ये लिखा हुआ है 3/4 log of x base 2 का whole square plus log of x base 2 minus of 5/4. ये पावर वाला आगे आ गया, बचा क्या आपके पास, log of x raise to is equals to half, ठीक है. अब एक काम करते हैं, हम इसको log of x raise to को एक वेरिएबल t मान लेते हैं, ठीक है. तो ये क्या लिखा हुआ है, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये लिखा हुआ है 3/4 t cube plus t square minus of 5/4 t equals to half. 1 हो जाएगा जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो बचेगा ये 3/2, ठीक है, इनटू 2, और यहां पे भी 2 हो जाएगा, तो बचेगा 5/2, ठीक है. नेक्स्ट स्टेप में लेट्स टेक द एलसीएम एंड सी क्या बच रहा है. अगर आप एलसीएम लेंगे तो यहां पे आपके पास बचेगा इट्स 2 ओवर, ठीक है. व्हेन यू टेक द एलसीएम व्हाट डू यू गेट, 3t क्यूब प्लस 4t स्क्वायर माइनस 5t माइनस 2 इक्वल टू 0, करेक्ट. अब देखो 3 plus 4 7, 7 minus 5 2, 2 minus 2 0. So whenever sum of the coefficient is 0, t equal to 1 is the root. So t minus 1 will be a factor. Do the long division and find out the other two factors. Yes, I can. So if I divide this 3t cube plus 4t square minus 5t minus 2 with t minus 1, aa jayega 3t square, 3t cube minus 3t square minus plus, you'll get 7t square minus 5t minus 2. Aapke paas aa jayega 2t minus 2 other factor that I have is t minus 1 और आ जाएगा 3t square plus 7t plus 2, ठीक है. तो अब अगर आप इसको factorize करेंगे तो ये कैसे factorize होगा, 3t square plus 6t plus t plus 2, 3t taken out common, t plus 2 plus 1 t plus 2, तो यहां से आ जाएगा 3t plus 1 t plus 2. तो आप बोल सकते हैं t की तीन value possible है, that is 1 minus 1 by 3 and minus 2, ठीक है. अब t आपका क्या था, that was log of x base 2, तो आ जाएगा log x base 2 का value 1 minus 1 by 3 and minus 2, तो x का value आ जाएगा 2 और 1 by 4, that is 2 raised to the power of, पहले ये देख लेंगे, चलिए 2 raised to minus 1 by 3 will be 1 upon 2 raised to 3, that is 1 by cube root of 2, ठीक है. और एक value आपके पास आ जाएगी 2 raised to minus 2, that is 1 upon 2 square, that is 1 by 4. तो let's check exactly 3 solutions, एक option में वो भी है, at least one real solution, वो भी है, exactly one irrational, तो 1 upon cube root of 2 is irrational. Complex roots? No. So your answer will be A, B and C option. ठीक है? Note this down, then we'll be going for the fourth question.